मैंने कुछ भी ऐसा गलत अपलोड नहीं किया था इस चैनल पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ यार, ये मतलब कैसे हो रहा है यार। अब मतलब पूरा करियर खत्म हो गया, इतने सालों से मेहनत की थी यार, सब बेकार कर दी एक सेकंड में यार। ऐसे कैसे काम करेंगे यूट्यूब पर यार, कोई मदद नहीं कर रहा यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खालिद और आपका एक बार फिर से खुश आमदीद है मेरे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक में। दोस्तों अभिषेक की तरह मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो आपने स्टार्ट में देखी होगी, यकीनन आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए होंगे, इमोशनल हो गए होंगे कि यार ये क्या हुआ इस भाई के साथ। भजन थोड़ा सा तसव्वुर करें ज़रा कि 3.3 मिलियन का एक चैनल है यूट्यूब का, जिस पर आपने 3-4 साल लगातार जान मार के मेहनत की है और यूट्यूब एकदम उसको डिलीट कर दे, तो कैसा आपको फील होगा? यकीनन आपको सोच के भी आपकी जो है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो यूट्यूबर है ना वो ही जानता है कि एक एक वीडियो के ऊपर बनाने में, उस पर व्यूज़ हासिल करने में कितनी मेहनत लगती है एक इंसान की। हमारी जो है ना रातों की नींद उड़ जाती है एक वीडियो को बनाने के लिए। तो ये इस भाई की 3-4 साल की मेहनत, और ख़ास तौर पर इसका जो पूरा घर था भाई का वो इसी चैनल के ऊपर डिपेंडेंट था, ये बंदा जो है इसी के ज़रिए अपना घर चला रहा था। तो उसका क्या हाल हुआ होगा कि उसको 0 से 3.3 मिलियन तक अपना चैनल लेकर गया और उसका चैनल एकदम से डिलीट हो गया और उसको उसकी रीज़न भी नहीं पता। तो मैंने ये देखी थी ये वीडियो इस भाई की जो है ना सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप इसमें जो कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि इसमें भाई ने कहाँ पे गलती की, क्या गलती की और हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कल को किसी भी वजह से हमारा कोई यूट्यूब चैनल अगर डिलीट होता है या कुछ भी होता है उसके साथ, तो हम किस तरीके से दोबारा से यूट्यूब पर सर्वाइव कर सकें, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए तो सोशल मीडिया के थ्रू जो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली वो यही थी कि भी इसमें उन्होंने बताया कि भी इस भाई का जो है ना ईमेल किया यूट्यूब को और उनसे पूछा कि भाई क्या वजह है आपने इतने पॉपुलर चैनल को आपने डिलीट कर दिया। तो उन्होंने इसका रिप्लाई दिया कि भाई इस बंदे ने जो है ना सेक्सुअल और न्यूडिटी की पॉलिसी को वायलेट किया है, इस वजह से हमने इसका चैनल जो है टर्मिनेट कर दिया है। तो पहली बात ये कि आपको जो है ना आपका चैनल, और वो पता नहीं अब वो रिकवर हुआ नहीं हुआ वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो रिकवर हुआ होगा चैनल। इस भाई ने गलती क्या की? सबसे पहले इस भाई की जो मेन गलती थी वो ये थी कि इस भाई ने अपना जो है ना फेस वाली वीडियोस नहीं ये बनाता था, ये अपनी सारी वीडियोस जो बनाता था ये बनाते थे जो है ना अपनी जो स्क्रीन रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड करके, मतलब आपका फेस नहीं आता था, सिर्फ जो है मोबाइल की स्क्रीन आती थी। ये एडिटिंग के हवाले से वीडियोज़ वगैरह बनाते थे या कोई भी अपडेट वगैरह आती थी, तो मतलब इस तरीके की चीज़ें बनाते थे कि भाई इसमें जो है इनका फेस नहीं आता था, मतलब वीडियो वीडियो जो है रिकॉर्डिंग इनकी नहीं होती थी, ये सिंपली अपना जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए उन्होंने अपना जो है इतना फेम हासिल किया था। तो इसलिए इनको इतनी ज़्यादा अब मुश्किल हुई है क्योंकि लोग इनको नहीं पहचानते, क्योंकि जब आपका एक फेस ही आपकी वीडियो में नहीं आ रहा, आप सिर्फ जो है जस्ट जो है नॉर्मल ऐसी वीडियो ऐसा चैनल चला रहे हैं जिसमें आप अनजान है, सिर्फ आपकी वॉइस लोग पहचानते हैं ना कि आपका चेहरा। जब आप किसी को कोई आपको चेहरे से नहीं पहचानता तो आपको फिर से मतलब यूट्यूब अपना नाम बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने अपना एक चैनल बनाया और आपने सिर्फ उसमें ऑडियो के ज़रिए अपना काम चलाया हुआ है और जो है सिर्फ आप एडिटिंग कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपकी ऑडियो आ रही है, तो वो आपको कोई भी नहीं पहचानता वहाँ पर, तो आप क्या करते हैं फिर जो है अगर खुदा ना खासा आपका चैनल डिलीट हो गया तो आप जब दोबारा से आएंगे अपने YouTube पे आपके पास आपकी स्किल्स सारी वही हैं, आपको अपडेट करना भी आ रही है, आपको जो है न्यू ट्रेंड का भी पता है, वीडियो अपलोड हर चीज़ का आपको पता है, लेकिन फिर भी जब आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको ज़ीरो से करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि लोग तो आपको पहचानते ही नहीं है। जब लोग आपको नहीं पहचानते तो वो आपके पास वापस कैसे आएंगे? तो यही भाई इस भाई ने की गलती, इसने कोई वीडियो बनाई नहीं। अगर आपकी वीडियो वाली जो है वीडियो आपने तो अगर आपने फेस के हमारी वीडियो बनाई होती तो आपको जो है स्ट्रगल करना इतना मुश्किल ना होता, क्योंकि लोग आपको आपकी शक्ल से पहचानते, फिर आपका अगर चैनल डिलीट भी हो जाता तो आप दोबारा अपने फेस के थ्रू सामने आते लोगों के साथ, अपने फेस के साथ लोगों के सामने आते तो लोग आपको पहचानते हैं, हाँ भाई ये वही बंदा है और इसका ये इसने न्यू चैनल बनाया है तो हम इसको यहाँ पर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इसको जानते हैं कि इसका जो है जो कॉन्टेंट है वो बहुत ही अच्छा और ऑथेंटिक होता है, तो हम इस बंदे को यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बजाय इसके कि अगर आप ऑडियो में
बनाएंगे तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपनी जो है ना एक फेस वैल्यू लाजमी बनानी है यूट्यूब पे, ताकि कल को अगर आपको कोई मुश्किल आए तो आपको जो है ना रिकवर करने में आसानी हो सके। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मेरा एक यूट्यूब चैनल था बेस्ट हेल्प इन हिंदी के नाम से। ये चैनल पे पिछले में 2-4 सालों से काम कर रहा था, 2016 से मैं वर्क कर रहा था कंटिन्यू और मेरे 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। अचानक 7 मई 2020 के दिन मेरा यूट्यूब चैनल सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि टर्मिनेट हो चुका है, यूट्यूब से डिलीट हो चुका है, अब वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अब इसका रीजन क्या था, अभी तक ना तो मेरे पास कोई मेल आया है, ना कोई नोटिफिकेशन आया है, कुछ नहीं हुआ, मतलब पता नहीं चला कि आपका चैनल रातों रात गायब हो गया यूट्यूब से। और जिसके ऊपर आप 4 साल से काम कर रहे हो, जिसके लिए ऊपर आपकी पूरी फैमिली डिपेंड है, आपके घर का सारा खर्च उस चैनल के थ्रू चल रहा है और आपका चैनल बिना मतलब से डिलीट कर दिया गया है। अब इसका रीजन क्या है मुझे नहीं पता चला है, लेकिन कई सारे यूट्यूबर हैं जो ऐसी गलतियां कर रहे हैं, उनका चैनल आगे जाकर खतरे में है, इतना मैं श्योर हूँ। मिस्टेक बताने वाला हूँ जो हर कोई यूट्यूबर करे जा रहे हैं और वो चीज़ आज ही आपको करना बंद कर देना है। अगर आप ये गलती कंटिन्यू करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक ना एक दिन आपको पकड़ा जाएगा और आपका चैनल चाहे कितना भी बड़ा चैनल हो, चाहे उस पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स क्यों ना हो, वो डिलीट कर दिया जाएगा। देखिए जी, अल्लाह बेहतर जानता है इसमें कि इस भाई ने जो है अभी जो वीडियो अपलोड की थी ये सच है झूठ है या इसने फेम हासिल करने के लिए सब कुछ किया है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो है हमारे लिए इसमें फिर भी एक बहुत ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट है, मेरे खुद की आंखें खुल गई ये वीडियो देख के कि हाँ यार वाकई ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बेशक इसने जिस मकसद के लिए भी ये काम किया, लेकिन इसमें हमें जो है नज़र आया है कि जो हम गलतियां कर सकते थे, और काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं मैं जिनको जानता हूं वो हमारे अपने करीबी भी काफ़ी यूट्यूबर्स हैं भाई जो कि ये काम कर रहे हैं यूट्यूब के हवाले से, और वो अपनी सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग पे अपना पूरा चैनल चला रहे हैं। तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की अपनी जो है ना फेस कैम वाली वीडियो को जरा वो थोड़ी सी रूटीन में लेकर आएँ, ताकि आपके साथ अगर कल को ये मसला होता है तो आपके लिए आसानी हो। भारत उसका फ़ायदा हो ना हो, हमें उस बंदे ने जो है ना ये एक चीज़ हमें सिखा ज़रूर दी है कि यार बाकी ये एक चीज़ जो है जो हम मिस कर रहे थे तो इसका हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब जो है ना, अब हमारी तौबा जी, हम भी जो है ना इस तरह की गलती नहीं करेंगे, और मैं दूसरे भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इस तरह की गलती ना करें। तो मेरी जान, आपने बिल्कुल भी इस तरह की गलती नहीं करनी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो करें लाइक और शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ। मज़ीद अगर आपको कोई सवाल है इस वीडियो के हवाले से आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम आई डी पर मैसेज, इंस्टाग्राम आई डी का लिंक मैं दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाएँ, मुझे फॉलो करें, मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूँगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टैग पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर सकें रेगुलरली। तो इंशाल्लाह मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।